मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आप बेहतरीन किताबों का अध्ययन कर रहे होंगे इस समय। उसी कंट्रीब्यूशन में मेरी ये किताब जो इंग्लिश ग्रामर की है, इंग्लिश ग्रामर एसेंशियल रूल्स, इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने मेरा सेकंड वॉल्यूम जो लिटरेचर का है टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको आपने स्टडी कर लिया है, इसको आपने खरीद लिया है, इससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वाली बुक में केवल लिटरेचर कवर होता है टीजीटी का 400 पेजेस में। उसी तरीके से चूंकि ग्रामर इस बुक में नहीं दिया है, इसके लिए मैंने अलग वॉल्यूम लाया था। मैंने कहा लिटरेचर और ग्रामर की अलग वॉल्यूम हो जाए ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिले, पर्याप्त मटेरियल मिले। तो इसीलिए अब ग्रामर का एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स के नाम से बाय डॉक्टर रंजीत सिंह। आप इस बुक को एनी हाउ अपने पास मंगा लें और इससे स्टडी करें। बहुत ही हेल्प करने वाली है ये बुक। आप 8-10 किताबों को ग्रामर की कंसल्ट कर रहे होंगे, आपको किसी बुक को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर बेहतरीन नियम जो किसी भी स्टूडेंट को जानना चाहिए वो रूल इस किताब का हिस्सा है। ऐसे ही जो स्टूडेंट्स पीजीटी के हैं वो इस बुक को अवश्य पढ़ें। अगर आपने ये पीजीटी का सेकंड वॉल्यूम इंग्लिश लिटरेचर का नहीं पढ़ा है तो मैं ये सोच सकता हूं कि आपकी तैयारी में अभी कुछ कमी है। अगर आपने ये बुक पढ़ ली है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इस बुक को खरीदते हैं और इस बुक को पढ़ते हैं तो इसके कंटेंट्स इतने बेहतरीन हैं, इतने बेहतर हैं कि आपके मुंह से बाहर निकलेगी ही निकलेगी कि हाँ, ये वास्तव में बहुत बेहतरीन बुक है पीजीटी इंग्लिश की। आप लिटरेचर का अध्ययन इस बुक से करें और ग्रामर की स्टडी के लिए अगेन आप वापस आ जाएं इसी इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स पे। तो दोस्तों, इन किताबों के अध्ययन के बाद इन किताबों में जो कॉन्टेंट्स हैं उसकी जानकारी मैं डेली आपको देता रहता हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस इंग्लिश ग्रामर की बुक में जो वर्ब का चैप्टर है। आप उस वर्ब के चैप्टर का अध्ययन करना है आज, ताकि आप समझ सकें वर्ब क्या है। और ये मान के चलिए इस वर्ब के चैप्टर से कम 2 से 3 MCQ हर साल पूछा जाता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कवर कर लेंगे शाम तक इस चैप्टर को अच्छे से, तो निश्चित हो जाएगा कि वो 2 से 3 MCQ जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे, एकदम सही होंगे। दोस्तों, ये वर्ब का चैप्टर है मेरी इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स से। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, अब केवल एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलने वाला है। अब पेपर्स में कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, रूल्स पूछेंगे, और जब कॉन्सेप्ट्स और रूल्स पूछे जाते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप थियरी को पढ़ें, आप जानें कि इस रूल के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा नियम क्यों है, ऐसा नियम कब अप्लाई होता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको थियरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है और आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, उसी डीप नॉलेज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक बनाई है और ये वर्ब का चैप्टर है। एक एक पॉइंट जो वर्ब से जुड़ा है आपको इस बुक में मिलेगा, ऐसी जानकारी जो सामान्य किताबों में है ही नहीं। उन्होंने केवल वर्ब की डेफिनेशन बताई, काइंड्स बताए और सेंटेंस डाल के एक्सरसाइज बना के किस्सा खत्म कर दिया। आपको लगता है बहुत बेहतरीन बुक है, नहीं। इस बुक में वर्ब से जुड़ा हुआ कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टर्म जिसे लिंग्विस्टिक्स ने यूज किया है, इस बुक का हिस्सा है, उसकी डेफिनेशन भी यहां पर दी गई है। इसलिए दोस्तों, इस बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है और मैंने नाम भी इसीलिए रखा है इसेंशियल रूल्स, ये नियम जो आपको जानना बहुत ही नेसेसरी है, ये ध्यान रखिए। तो आप इन वर्ब्स को जानेंगे और जानेंगे वर्ब, आप जानते हैं एक्शन वर्ड होती है और कैसे ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड होता है, ये सब जानकारी यहां पर दी है कि वर्ब ट्रांजिटिव होती है, इंट्रांजिटिव होती है, डाई ट्रांजिटिव होती है। डाई ट्रांजिटिव का मतलब है वर्ब में दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स आप जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब दोनों वर्ब एक सेंटेंस में आए हों तो उस वर्ब को डाई ट्रांजिटिव कहते हैं, और ट्रांजिटिव मीन्स जब वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो, जब वर्ब अपने एक्शन को पास ओवर करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और इंट्रांजिटिव का मतलब है जब वर्ब अपने एक्शन को पास ओवर नहीं कर पाती है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों को आप इसमें पढ़ेंगे। वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब ही नहीं जुड़ा है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं जुड़ी है, उसका एस्पेक्ट भी जुड़ा है, उसका मूड भी जुड़ा हुआ है, मूड, मोड, मैनर्स, ये सब क्या होते हैं वर्ब के साथ,
कैसे जुड़ाव रखते हैं, इनका क्या मतलब है, ये सारा इस बुक में दिया हुआ है। इसके साथ ही आप ये ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में है या नहीं है कैसे पहचानेंगे, इसका रूल दिया हुआ है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे मान के चलिए एग्जाम में एक सेंटेंस जरूर पूछा जाता है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से किस में ट्रांजिटिव वर्ब है, अर्थात अब आपको पहचानना है कि किस सेंटेंस में वर्ब जो है अपने एक्शन को पास ओवर कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं, क्या क्या नियम हैं, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उसके बाद डाईट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, इन सारी चीजों को यहाँ पर दिया हुआ है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ साथ यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब का पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है। इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब जो है किस तरीके से यूज होती है और कैसे कैसे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे ही सेंटेंस लिखा इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब अपना एक्शन पास ओवर ही नहीं कर रही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव है। तो आप ध्यान दीजिए उसी सेंटेंस को ट्रांजिटिव तरीके से भी बनाया जाता है। लिखा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो आप ध्यान दीजिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि वर्ब एक ही है, उसका यूज अलग अलग तरीके से, ट्रांजिटिव तरीके से भी यूज किया गया है और इंट्रांजिटिव तरीके से भी यूज किया गया है। तो आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया है, कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है, वो सारी चीजें यहां पर दी हुई दोस्तों। अब ये उसके साथ में एक छोटा सा चैप्टर दिया हुआ है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि प्रेडिकेट जो रहता है वो इनकम्प्लीट रहता है, कैसे रहता है, वर्ब का मूड क्या है, इंपरेटिव मूड है, सब्जेक्टिव मूड है, इंडिकेटिव मूड है, इसको भी आप स्टडी कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको केवल जब वर्ब का यूज होता है तो मूड के आधार पर होता है, तो आप उस समय सोचेंगे सर मूड हमारा या वर्ब का, तो वर्ब का मूड की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। इन नियमों के साथ साथ में ये ध्यान रखें कि रेगुलर इरेगुलर वर्ब होती हैं और वो एग्जाम में पूछ लेता है, वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म पूछ लेता है। जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनका आप सेकेंड और थर्ड फॉर्म जानते हैं, मोस्टली ईडी लगाकर बन जाता है, लेकिन जो इरेगुलर वर्ब होती हैं उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग नियम से बनता है, उसका कोई नियम ही नहीं होता, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इरेगुलर वर्ब्स ही मेरी इस बुक में दी हुई हैं, साथ ही में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है, पार्टिसिपल जीरंड इन्फिनिटिव, इनका इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इतना अच्छी तरीके से समझाई गई हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स इस बुक में, कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, और इतने बढ़िया रूल्स, इतने इजी रूल्स के तहत वो समझाया गया है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, आपको चीजें अपने आप रट जाएंगी। साथ ही जो लास्ट ईयर पेपर्स हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर लेकर साथ में रखे गए हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये सेंटेंस इस साल इस कॉन्सेप्ट में पूछा गया था। देखिए लिखा है द सन हैविंग राइजिंग द फॉग डिसअपीयर्ड, ये पीजीटी 2009 में पूछा गया था, तो आप ध्यान दें द सन हैविंग राइजिंग द फॉग डिसअपीयर्ड, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का है जो पार्टिसिपल का ही एक तरीके से हिस्सा होता है, तो इसीलिए आप अच्छे से समझ लें कि इस बुक को पढ़ना बहुत मस्त है, आप एक एक करके पढ़ते चले आए। अगर मैं इन सारे पेजेस को समझाने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, मुझे लगता है एक वीक लग जाएगा, इसलिए आप मेरे वीडियो को पॉज कर लें और इन चीज़ों की स्टडी कर लें अगर आपके पास बुक नहीं अवेलेबल हो पाई है तो। और दोस्तों कोशिश करें कि कैसे भी आपके पास ये बुक ज़रूर अवेलेबल हो जाए, ताकि आप इस चीज़ की स्टडी कर सकें बहुत अच्छे से। जीरंड से जुड़े हुए सारे नियम दिए हैं, पार्टिसिपल आप जानते हैं प्रेजेंट पास परफेक्ट होते हैं उनके सारे नियम दिए हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो सारा दिया हुआ है। जीरंड और इन्फिनेटिव आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वर्बल नाउन्स होते हैं, ये वर्ब होते हैं लेकिन नाउन का काम करते हैं, जीरंड आईएनजी फॉर्म में होता है, इन्फिनेटिव फर्स्ट फॉर्म में होता है, पार्टिसिपल वर्ब होता है लेकिन एडजेक्टिव का काम करता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप इस बुक से पढ़ेंगे, साथ ही में आप ध्यान देंगे कि इस बुक में मॉडल ऑक्सिलरीज भी दिया है, मॉडल ऑक्सिलरीज की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, आप उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। आप इरेगुलर वर्ब्स जो मैंने बताया इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इरेगुलर वर्ब्स ज़रूर पूछ लेता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इसकी स्टडी आपको होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे कि इसका सेकेंड फॉर्म ये होता है और इसका थर्ड फॉर्म ये होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।